सबको जय धर्म में और नमस्कार। मेरा इस चैनल जय धर्म में आप सभी को स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को तोलोंग सिक्की का दूसरा भाग हरा तोड़, जिसको हम हिंदी में व्यंजन वर्ण बोलते हैं और असमी इसमें व्यंजन वर्ण बोलते हैं, तो उसको हम आप लोगों को सिखाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए, और जो भी हम सिखाएंगे उसको बराबर कॉपी में लिखते जाइए, ताकि आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकेंगे बाद में। और जो भी इस वीडियो के लिए नए हैं, तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, उसके लिए तोलोंग सिक्की का सारा तोड़ है, जिसको हम स्वर वर्ण बोलते हैं, वो पहले वीडियो में दिया गया है, तो उसका लिंक नीचे दिया जाएगा, नीचे दिया गया है, उसको आप लोग उस लिंक में जाके आप लोग सारा तोड़ सीख सकेंगे। और जो भी नए हैं इस वीडियो के लिए, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम आज व्यंजन वर्ण, जिसको हम कुरुख में हरा तोड़ बोलते हैं, तो उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हिंदी देवनागरी लिपि में का से शुरू होता है, वैसे हम शुरू करते हैं। जैसे कुरुख तोलोंग सिक्की में का से शुरू नहीं होता है, पा से होता है, तो हम लोग देवनागरी के जैसा सीखते हैं। तो आइए, ये है का, हिंदी में ये का होता है, असमीस में का होगा, इंग्लिश में ये, तो का ये है। उसके बाद खा, जैसे कि हिंदी में ये खा, असमीस या बंगाली खा, और इंग्लिश में खा। उसके बाद आपका आएगा गा, हिंदी में ये गा, उसके बाद असमीस में गा, उसके बाद इंग्लिश में गा, और उसके बाद आएगा आपका घा, घा असमीस या बंगाली में गा, घा और इंग्लिश में ये घा। तो उसके बाद आएगा आपका अंगा, ये है अंगा, जैसे कि हिंदी में सॉरी ये नहीं है, ये अंगा नहीं है, अंगा है आपका ये अंगा, हिंदी में ये, और आसामी इसमें या बंगाली अंगो, इसको अंगा आकार के जैसे आ के रूप में प्रोनाउंस करना है, जैसे कि हिंदी में हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो हिंदी के जैसे प्रोनाउंस करना है, या इंग्लिश में अंगा ये भी दे सकता है, या अथवा ऐसा भी लिख सकता है अंगा। तो ये है आपका का, खा, गा, घा, अंगा। तो ये आपका तोलोंग सिक्की का, जिसको हम बोलते हैं हरा तोड़। इसके ऊपर ये लिखना हरा तोड़ या हरा तोड़। इसको हिंदी में
हरा तोड़ हरा तोड़ हिंदी में व्यंजन व्यंजन वर्ण या आसामीस में व्यंजन वर्णों। तो ये है आपका हरा तोड़। पहले इसका नाम था हरा के बदले में तालन तोड़ था, तालन तोड़ पहले वाला नाम। तो अभी तालन को बदल के हरा आप कर दिया है। तो ये है आपका व्यंजन वर्ण। तो आए ये है आपका का खा गा घा अंगा। उसके बाद ये असमिस और बंगाली में ऑलरेडी लिखा हुआ था तो आप लोग लिख लीजिए। और उसके बाद आएगा आपका चा चा छा जा झा चाचा झा। उसके बाद इया इया ये है आपका हिंदी में चा। ये है आपका छा जा झा और ये इया। असम इसमें प्रथम स्वर के साथ आकार, प्रथम स्वर लगत आकार दिले है छा हो चा। उसके बाद द्वितीय स्वर आकार ये है छा। जैसे कि इसके हिसाब से उच्चारण होगा ये आसामीस में तो द्वितीय स्वर आकार सा हो जाएगा, लेकिन इसका उच्चारण ऐसा होगा हिंदी में छा जैसे। और उसके बाद जा जा आसामीस में प्रथम स्वर झा जा। उसके बाद ये आएगा जा ये झा है। तो आसामीस या बंगाली में आकार के साथ झा होगा। उसके बाद ये होगा आपका ये तो ज्यादातर यूज नहीं होता है कुरुख में, कभी कभार ये यूज होता है। और इंग्लिश में लिखेगा तो चा छा छा ये होगा छा। ये होगा आपका जे एच जा ये जे एच ए झा और ये इया नीचे देने से होगा एन को या इया। ठीक है। तो ये है आपका प्रथम का खा गा घा अंगा और ये है चा छा जा झा इया। तो ये है आपका तोलंग सिक्की में, आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद आपका आएगा किसी को भी दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिए। तो उसके बाद आएगा आपका ये है आपका हरा तोड़ या हरा तोर हरा तोर। तो काखा और चा छा तो गया। उसके बाद आएगा आपका ता
उसके बाद ठा, ये उसके बाद ये है डा, उसके बाद आपका इसको मिलाना पड़ेगा यहाँ पे ढा, उसके बाद ना, ये होगा ना, तो ये है टा ठा, ये है डा, उसके बाद आएगा ये ढा, उसके बाद आएगा ये ना, तो ये तोलोंगसिकी जो है ये एग्जैक्टली हिंदी के जैसे प्रोनाउंस होगा। तो ये आपका इंग्लिश में लिखने से ये है टा ना, इसलिए इसको नीचे डॉट या ऊपर भी दे सकता है आपका मर्जी से। उसके बाद ये होगा आपका टी एच ए, तो हम नीचे दे रहे हैं ठा, ये होगा आपका डा ढा, उसके बाद ना, तो ये है। और असमीस में आपका होगा ये, असमीस में आकार के साथ टा, उसके बाद ये ठा डा, और आसानी से ये वाला, ये सब आकार के साथ होगा, क्योंकि हम लोग तोलोंगसिकी को हिंदी के जैसे उच्चारण करते हैं, इसलिए आकार देना पड़ता है। तो ये है टा ठा डा ढा ना। तो इसके बाद आएगा आपका, इसको लिख लीजिए आप लोग, इसके बाद आएगा आपका ता था दा धा ना, तो ये होगा आपका टी ए टा, टा नहीं ता, और ये है आपका था, ये होगा आपका दा, और ये धा, और ये ना। और इसको हिंदी में लिखने से आपका ता था दा धा, उसके बाद आपका नाम असमीस में लिखने से ता था दा धा, और ये आपका सब इसमें ये होगा ना। तो आप लोग ये देख लीजिए, ये है ता, हिंदी के जैसा, हिंदी के उच्चारण के जैसा ता था दा धा ना। तो ये है आपका तोलोंगसिकी का व्यंजन वर्ण। तो जो भी स्वर वर्ण
वीडियो नहीं दिखा है वो नीचे लिंक में दिया गया है, उसमें देख लीजिए, उसमें जाके और वीडियो को देख लीजिए, ताकि वो स्वर वर्ण भी आपको सीखने को मिलेगा। तो इसके बाद क्या आएगा, आपका चार लाइन हो गया है, उसके बाद पांचवा लाइन क्या है अभी आप लोग देख लीजिए, ये है पा फा बा, और बा नहीं ऐसे नहीं, ये बा भा मा, तो हिंदी में होगा ये पा फा बा भा, ये होगा मा, और असम इसमें पा कर पो अकर पा पो अकर आ फा बा धा मा, इंग्लिश में पी ए पा फा बी ए बा बी एच ए भा और ये एम ए मा, तो ये है पा पा फा बा धा मा। तो इसके बाद आएगा आपका या रा ला ला, उसके बाद वा, उसके बाद और एक ठो इया इया, तो ये है हिंदी में या रा ला वा, और ये हिंदी में इया, और असमीस में उन्तीस टू जो बोलता है ना, उन्तीस टू जो इसको या भाई, ये ऐसे होता है या ये रा, और बंगाली में ये होगा रा, और ये तो ला ही होगा, ला लो आकर ला, और ये वा बो आकर वा, और ये इया, जैसे कि पहले लिखे थे हम लोग असम इसमें इया, ठीक इसी तरह होगा इया, और हिंदी में और इंग्लिश में या रा ला, छोटा हो गया, ये होगा आपका या, ये होगा आपका आर ए रा, ये होगा एल ए ला, ये होगा वा, या बी ए भी लिख सकता है, तो ज़्यादातर हम लोग वा के लिए डब्ल्यू ए लिखेंगे वा, और ये इया, तो ये है आपका या रा ला वा इया। तो ये है तोलंग सिक्की में, उसके बाद आएगा सा, हा, ये है खा, उसके बाद आड़ा,
उसके बाद ये आढ़ा, तो ये है सा, उसके बाद ये है हा, उसके बाद ये कुरुख में एक स्पेशल अक्षर होता है वो ये खा, जिसके कारण कुरुख शब्द, कुरुख भाषा थोड़ा अलग ही होता है दूसरा भाषा से, स्पेशल लेटर है ये। तो उसके बाद ये है आड़ा, जैसे कि लड़की भी, लड़की या लड़का शब्द में किया जाता है। उसके बाद ये है ये आड़ा। तो हिंदी असमिस में ये सब ये पापा के बाद बहुत होता है, लेकिन कुरुख में तोलोंगसिकी में सिर्फ दास दिया गया है। तो इसी, इसके अलावा और भी कुछ कुछ शब्द है और कुछ अक्षर है, अल्फाबेट्स, उसको भी हम देखेंगे। ये है सा, सा जैसे कि असमिस में ये लिखेगा आकार देकर सा, ये होगा आपका हा, ये होगा आपका का के नीचे एक डॉट देना पड़ता है, जिसके कारण ये हो जाएगा खा। तो अच्छा से सुन लीजिए, इसका उच्चारण होगा आपका खा खा। उसके बाद ये होगा आपका आड़ा, और ये होगा आपका ये। तो इसके साथ आपका आकार लगाना होगा, क्योंकि ये तोलोंगसिकी का उच्चारण ऐसा होता है। उसके बाद आपका असमिस में और इंग्लिश में सा, एच ए हा, यह होगा आपका एक्स देना पड़ेगा, एक्स हा। तो कुरुख में ये एक्स को हम लोग हा के उच्चारण के लिए लेता है। उसके बाद ये आप लोग ये भी लिख सकता है आड़ा या डी के ऊपर ऐसा देके भी लिख सकता है आड़ा। और उसके बाद इसको भी इसका इसके ऊपर आर के ऊपर ये देखें, आर के ऊपर एक डॉट दीजिए, उसके बाद एच लिखिए आरहा, या डी के ऊपर ऐसे देखिए एच। तो ये है आपका तोलोंगसिकी का उच्चारण। और इसके अलावा और दो दो अक्षर है, दो अल्फाबेट्स, उसको भी हम बताएंगे अभी। तो वो है ऐसा है, ये है आपका जैसे कि हम दूसरा भाषा में जैसे कि बोरो लोग अ लेता है ना, बोरो लोग अ, तो हम लोग का उरा में भी इसका प्रयोग होता है अ का, या डब्ल्यू ऐसा देने से भी होगा। तो इसका इसको हम लोग बोलते हैं ओरांगू, ओरांगू।
तो ये है आपका, जैसे कि हम लोग लिखते हैं जैसे कि पत्थरदान, तो यहाँ पे अ आता है प, पत्थरदान, तो इसका शब्द इस ये अल्फाबेट इसी जगह में यूज होता है। जैसे कि हम लोग लिखेंगे पा अ, उसके बाद ता ता आकर रा, दा आकर ना, तो ये है पत्थरदान। तो ये अ के लिए अ उच्चारण ये जगह यूज होता है। जैसे कि ऐसा अ सब अ अल्फाबेट बहुत जगह यूज होता है। तो इसके बाद आएगा आपका, ये है आपका तोलंगसिकी, इसको भी लिख लेना। और उसके बाद ये सा के लिए आपका दूसरा और एक है, इस सा के लिए और एक सा होता है ना, ये सा के लिए आप लोग ऐसा लिख सकता है, यहाँ सा के नीचे दो डॉट, या असमीस में ये लिख सकता है सा, या इंग्लिश में एस एच ए। तो ये है सा और ये शा, तो इतना ही है। तो ये है आपका तोलंगसिकी का हरा तोर। तो बस आज के लिए इतना ही है। तो अगले वीडियो में हम लोग वर्ड फॉर्मेशन तोलंगसिकी के साथ वर्ड फॉर्मेशन के लिए हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ, मैं नॉर्बर्ट विंच, मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप लोग तोलंगसिकी अच्छा से सीख सके और हमारा बीच तोलंगसिकी का एडुकेशन आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग इस आप सभी लोगों को धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और जो भी मेरा इस ग्रुप में इस यूट्यूब चैनल में जो भी नए हैं वो लोग मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जब हम नया वीडियो डालेंगे तो आपका मोबाइल में या कंप्यूटर में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सबको जय धर्म में और नमस्कार।